हेलो एंड वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल आरपीएन शर्मा, माय सेल्फ नितिन कुमार। नंबर सीरीज में हम कर रहे थे रीजनिंग का एक टॉपिक जिसका नाम था कोडिंग एंड डिकोडिंग। कोडिंग एंड डिकोडिंग, तो इसमें हमने चार पार्ट कंप्लीट कर लिए थे। आज हम करेंगे इसका पार्ट फिफ्थ आज हम करेंगे। इसमें हम करेंगे क्वेश्चन नंबर 5। ठीक है, तो इस तरीके की एग्जांपल भी हमारे पास एग्जाम में आती है। तो एग्जांपल हमारे पास इन ए सर्टेन कोड लैंग्वेज दिस इज रिटन एज दिस। ठीक है, एक कोड लैंग्वेज में हमारे पास 2, 4, 6, 8, 5 को लिखा हुआ है 3, 3, 7, 7, 6। ठीक है, तो हमने इसका कोड फाइंड करना है। तो इसका कोड फाइंड करने के लिए सेम जैसे हम पीछे करते थे, इनके बीच का डिफरेंस फाइंड करते थे। यहाँ पे डिफरेंस है हमारे पास +1, 2, आगे चले गए 3 तक +1। ठीक है, यहाँ पे 4, 3 -1 डिफरेंस, यहाँ पे 6 to 7 +1 डिफरेंस, यहाँ पे +1 है हमारे पास। ठीक है, तो ये वाला डिफरेंस आ गया हमारे पास -1, ये आ गया +1। दैट मीन्स पहले वाला जो डिफरेंस है वो प्लस है, दूसरा माइनस, वैसे करते करते अल्टरनेट में हमारे पास डिफरेंस है। वैसे 3, 5, 7, 9, 1 का कोड क्या होगा, 3 के बाद हम +1 करेंगे 4 आ जाएगा, फिर हम करेंगे -1 कर देंगे, 5 में से -1 किया 4 आ गया। ठीक है, 7 में +1 करेंगे तो ये हो गया हमारे पास 8, 9 में -1 कर देंगे तो ये हो जाएगा 8, देन इसमें हम +1 कर देंगे ये हो जाएगा 2। तो इसका जो कोड आया हमारे पास वो आया 44882। ठीक है, 44882, तो ये हमारे पास आंसर है। तो इस तरीके का भी क्वेश्चन हमारे पास एग्जाम में आ सकता है। देन नेक्स्ट एक दूसरी टाइप है, ये भी एक क्वेश्चन जो है देखने को मिलता है बैंकिंग एग्जाम में मोस्टली, तो फोर्थ क्लास में मैं भी ये ना पूछें तो ये हायर एग्जाम में मोस्टली ये पूछा जाता है। ठीक है, तो इसको करने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा हम देखेंगे। एक हमारे पास दिया हुआ है 256, ये बताया है कि कुछ सी कोड लैंग्वेज में 256 को बताया गया है यू आर गुड, देन 637 को बताया है वी आर बैड, देन 358 को बताया है मीन्स गुड एंड बैड। ठीक है, तो इसको हमने सॉल्व करना है, हमें क्या फाइंड करना है इसमें। विच ऑफ द फॉलोइंग रिप्रेजेंट्स एंड, एंड क्या रिप्रेजेंट करता है, दैट मीन्स एंड जो है वो किस नंबर को रिप्रेजेंट करता है, वो फाइंड करने के लिए सबसे पहले तो हम इसका सोल्यूशन देखेंगे। सबसे पहले हमारे पास है यू आर गुड, यू आर गुड। ठीक है, यू आर गुड का कोड हमारे पास है, इस क्वेश्चन को लिख ही लेते हैं, ये पूछा जाता है यू आर गुड। यू आर गुड का कोड है हमारे पास 256, ये कोड है इसका। और हमारे पास दूसरा कोड है वी आर बैड, वी आर बैड, वी आर बैड का कोड है हमारे पास 637। देन हमारे पास थर्ड कोड है गुड एंड बैड, गुड एंड बैड, गुड एंड बैड का कोड हमारे पास है 358। ठीक है, तो ये हमारे पास तीन इक्वेशंस बन गई, ये इक्वेशन नंबर 1 बन गई, इसको इक्वेशन नंबर 2 बोलेंगे, इसको इक्वेशन नंबर 3 बोल देंगे। ठीक है, तो हम अगर बात करें इक्वेशन नंबर फर्स्ट एंड थर्ड की, ये आगे इक्वेशन नंबर फर्स्ट और ये आगे इक्वेशन नंबर थर्ड। ठीक है, फर्स्ट एंड थर्ड इक्वेशन की अगर हम बात करें, ठीक है, तो फर्स्ट एंड थर्ड की बात करें तो इसमें कॉमन कौन सी चीज है हमारे पास, गुड कॉमन है, यहाँ पे गुड कॉमन है, गुड कॉमन है, तो दैट मीन्स यहाँ पर नंबर में भी कोई चीज कॉमन होगी। यहाँ पे 3 है, 5 है, 8 है, 2 है, 5 है, 8 है, दैट मीन्स 5 कॉमन है, 5 कॉमन है, तो इसका मतलब हो गया जो गुड का कोड है वो कितना है 5, गुड का हमारे पास कोड आ गया इसमें 5। ठीक है, वैसे ही हम अब कंपैरिजन करेंगे, ये कंपैरिजन था, मैं यहाँ पे लिख लेता हूँ, कंपैरिजन था किसके बीच में, 1 और 3 के बीच में। अब हम देखेंगे 2 और 3 के बीच में कंपैरिजन, 2 एंड 3 के बीच में कंपैरिजन, ये आ गया 2, ये आ गया 3, 2 एंड 3 के बीच में कंपैरिजन देखें तो इसमें कॉमन चीज कौन सी हमारे पास है,
इसमें कॉमन चीज है हमारे पास बैड। अब बैड यहाँ पे कॉमन है, तो यहाँ पे देखेंगे कॉमन हमारे पास नंबर कौन सा है। यहाँ पे हमारे पास 6 कॉमन है, नहीं है 3 कॉमन है, 3 कॉमन है, दैट मीन्स जो बैड का जो कोड है वो है हमारे पास कितना 3। अगर बैड का कोड हमारे पास 3 है और गुड का कोड हमारे पास 5 है, ठीक है, बैड का कोड 3 है, गुड का कोड 5 है, तो जो एंड है उसका कोड क्या बचा, यहाँ पे 8 बचा। तो जो कोड है हमारे पास एंड का वो कितना है 8। सो 8 हमारे पास क्या आ गया, आंसर आ गया। अगर ये वीडियो इंटरेस्टिंग लग रही है तो लाइक शेयर और कमेंट जरूर कीजिएगा, और अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब जरूर कीजिए। थैंक यू। अब हम नेक्स्ट टाइप ऑफ कोडिंग की बात करें तो वो है सब्स्टिट्यूशन बेस्ड कोडिंग। अब सब्स्टिट्यूशन बेस्ड कोडिंग में होता क्या हमारे पास है, इसको हम एक बार देख लेते हैं, इन लाइंस को पढ़ लेते हैं, अच्छी लाइंस है। इन दिस टाइप ऑफ क्वेश्चन सम पर्टिकुलर ऑब्जेक्ट्स आर असाइंड कोड नेम्स, ठीक है, किसी पर्टिकुलर ऑब्जेक्ट को कोई कोड नेम दिया जाता है, ठीक है, पर्टिकुलर ऑब्जेक्ट को एक कोड नेम दिया जाता है, ठीक है। देन द क्वेश्चन इज आस्क्ड दैट इज टू बी आंसर्ड इन द कोड लैंग्वेज, ठीक है। जैसे कि हमारे पास इसमें एग्जाम्पल देखे हैं सब्स्टिट्यूशन बेस्ड कोडिंग की, इफ कुक इज कॉल्ड बुटलर, ठीक है, इसमें जैसे कुक को कोड दे दिया कि कुक को हम कहते हैं बुटलर कहते हैं, बुटलर को हम कहते हैं मैनेजर, मैनेजर को हम कहते हैं टीचर, टीचर को कहते हैं हम क्लर्क, क्लर्क को हम कहते हैं प्रिंसिपल, ठीक है। देन हु विल टीच इन क्लास, देन हु विल टीच इन क्लास, ठीक है। तो ये क्वेश्चन बहुत अच्छा क्वेश्चन है, ये काफी सारे एग्जाम में पूछा जाता है। तो अगर हम हमारे पास अगर जिसको पता नहीं होगा तो वो क्या करेगा, इसका जो आंसर आएगा जो एक्चुअल में वो हमारे पास आएगा क्लर्क, लेकिन जिसको ट्रिक का पता नहीं है वो आंसर क्या देगा, हु विल टीच इन द क्लास, हु विल टीच इन द क्लास, उस इसका वो आंसर देगा हमारे पास सिंपली हु विल टीच इन द क्लास। अगर जिसको ट्रिक के बारे में पता नहीं है वो इसका आंसर बोलेगा कि कौन टीच करेगा क्लास में, टीचर, जिसको पता नहीं है। लेकिन ये क्या है, रॉन्ग है, ठीक है। ये रॉन्ग क्यों है, क्योंकि हमारे पास जो भी इस तरीके का सब्स्टिट्यूशन बेस्ड क्वेश्चन आता है तो इसमें हमें ध्यान क्या रखना है, ये चीज दी है कुक को बोला गया है बुटलर, बुटलर को बोला गया मैनेजर, मैनेजर को बोला गया है टीचर, टीचर को बोला गया क्लर्क, और क्लर्क को बोला गया है प्रिंसिपल, ठीक है। तो बताया गया है कि क्लास में कौन टीच करता है, क्लास में टीचर टीच करता है, ठीक है, हमें पता है क्लास में कौन टीच करता है, टीचर टीच करता है, लेकिन टीचर आंसर नहीं है, टीचर तो टीच करता है लेकिन टीचर को इसने क्या बोला है, क्लर्क बोला है, टीचर को क्लर्क बोला है, तो आंसर जो हमारे पास आएगा वो आएगा क्लर्क, ठीक है। यहाँ पे एक्सप्लेन किया गया है आंसर, ए टीचर टीचर्स इन द क्लास एंड एज गिवन टीचर इज कॉल्ड क्लर्क, ठीक है, जैसे कि टीचर क्लास में टीच करता है और टीचर को जो कोड दिया है वो दिया है क्लर्क का कोड, देन क्लर्क जो है हमारे पास विल टीच इन द क्लास, ठीक है। तो इसमें हमारे पास जो आंसर आएगा वो क्लर्क आएगा, टीचर नहीं आएगा, ठीक है। इफ यू लाइक द वीडियोज देन लाइक कॉमेंट शेयर एंड सब्सक्राइब माई यूट्यूब चैनल।